Hello everyone, I'm your friend, your host Madhul Bhandari and I welcome you in your favorite YouTube channel that is Dogs, Your Friends Forever. Dear friends, आज मेरे साथ एक बहुत प्यारा सा छोटा सा जर्मन शेफर्ड है. ही इज़ अराउंड 40 डेज, गोलू मोलू सा बच्चा है, नए घर जाने के लिए रेडी है. आज जो इंपॉर्टेंस है इस वीडियो की वो ये कि हमें फर्स्ट बाथ कब देना चाहिए बच्चे को. बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर हम डॉग को नहलाएंगे तो वो बीमार हो जाएगा और ये लगने का रीज़न है. बहुत बारी आपके जो जिनसे आपने परचेज़ किया होता है ब्रीडर, वो आपको मना करते हैं कि 3 महीने तक डॉग को नहीं नहलाना. कई बार पेट शॉप ऑनर भी मना करते हैं, कई बार डॉक्टर, डॉग को 3 महीने तक नहीं नहलाना. डॉग को 3 महीने से पहले नहलाने से डिस्टेम्पर हो जाएगा. डॉग को 3 महीने पहले न, अगर वो 3 महीने का नहीं, उससे पहले नहलाने से उसकी बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी, वो मर सकता है, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है. इस तरह के बहुत सारे वहम डाल देते हैं, वो बीमार हो जाएगा, ज़्यादा बीमार हो जाएगा, लूज मोशन, वॉमिटिंग हो जाएगी, जबकि रियलिटी कुछ और है. डियर फ्रेंड्स, क्या सच में हमारे डॉग को अगर 3 महीने से पहले हम नहलाते हैं तो उसको पार्वो हो जाता है, या उसको डिस्टेम्पर हो जाता है, या वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, या उसको निमोनिया हो जाता है? आज मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ. मैं बादल भंडारी हूँ और पिछले 25 साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूँ और मैं डॉग्स के लिए बिहेवियरिस्ट हूँ. आपके सभी क्वेश्चंस के ऑलमोस्ट आंसर मेरे पास में होंगे, साईं दया करेंगे. जिन दोस्तों ने अभी ये वीडियो देखना शुरू किया वो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आज मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में. जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो मिस ना करें. सो मेरे साथ में एक जर्मन शेफर्ड बेबी है, गोलू मोलू सा प्लम्पी सा बच्चा है ये. ही इज़ अराउंड 40 डेज. अगर आप देखेंगे तो ये बहुत मोटा ताज़ा बच्चा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम इसे नहलाएंगे, मैं अगर किसी को देना हो, मेरे लिए बहुत आसान है, हम इसे इसी कंडीशन में दे दें. और होगा क्या, ये जो बच्चा है इसकी रूट्स क्लियर नहीं हुई होंगी. इसका फर्स्ट बाथ दे के इसको देना, नए घर जाने के लिए देना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो मैं हमेशा अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश करता हूँ. जैसे ये जो बच्चा है इसको हम आज बहुत अच्छे से थॉरली नहलाएंगे. थॉरली नहला के इसको हम एंटीटिक शैम्पू यूज़ करेंगे. बिकॉज फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस बच्चे के लिए फर्स्ट बात कितना इंपॉर्टेंट है. रीज़न ये है कि ये जो छोटा सा बच्चा है इसकी रूट्स क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है. जब मैं बेबी देता हूँ नए घर जाने के लिए, मेरे से बेबी जाएगा तो मैं उसे बाथ दे के देता हूँ. 40 डेज़ के बच्चे को मैं आराम से बाथ दे देता हूँ, चाहे वो सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों. क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस है, वो सारी की सारी आप मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ. कैसे नहलाना वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आप किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस ना कर देना बीच में से. क्योंकि जब बच्चा छोटा है ना, तो वो एक से दूसरी जगह पर जाएगा शिशु करने के लिए, और थोड़े बहुत ट्रिक्स भी हो जाते हैं उसको. रीज़न क्या है, जब ये 5-6 भाई बहन है और एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा वो शिशु करने, तो मुमकिन है उसको यूरिन लगे, हो सकता है उसको स्टूल लग जाए, थोड़ा सा गंदगी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए. उससे क्या होता है, डॉग स्टिंक करना शुरू हो जाता है, डॉग से गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है, उसकी जो रूट्स है वो गंदी हो जाती है, उसको इचिंग होना शुरू हो जाती है. जब ऑब्वियस ही बात है, जब अनटाइडी अनहाइजीनिक कंडीशन में डॉग होगा तो उसको इचिंग होएगी ही होएगी. उसके अलावा डॉग को टिक्स हो जाते हैं, टिक्स भी अगेन गंदगी से आएंगे, इन्फेक्शन से आएंगे. और डेफिनेटली अगर टिक्स और इन्फेक्शन है तो जो डॉग है वो हेल्दी ग्रो नहीं करेगा, उसकी एपेटाइट भी पुअर हो जाएगी, और उसका जो कोट है उसमें भी उसको बार बार इचिंग होगी. कभी कान के पीछे इचिंग करेगा, कभी बालों में कहीं कहीं, कभी फेस से इचिंग, अपने मुँह से इचिंग करने की कोशिश करेगा. और ये सब चीज़ बढ़ जाती है जब हम 3 महीने तक उसको और नहीं नहलाते. स्किन की एक्यूट कंडीशन प्रॉब्लम आ जाती है, एक्यूट स्किन प्रॉब्लम और स्टिंकिंग. और जो ऑनर है उसको लगता है बेचारे को कि पता नहीं कि हमने कितनी बड़ा पाप कर लिया डॉग खरीद के, जबकि ऐसा नहीं है. इसको नहलाने लगे हैं, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा. ये एक फ़ोटो ये देख लीजिए आप, और एक दूसरी फ़ोटो साथ में लगाऊंगा थंबनेल में कि ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर फर्स्ट बाथ. सो डियर फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट बाथ देने लगा हूँ बच्चे को इस नोटिक शैम्पू से. इसके साथ में मैं दूसरा शैम्पू मिक्स करूँगा, और वो एंडी का शैम्पू है. नोटिक्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि उसको जो भी टिक्स वगैरह हों, फ्लीज वगैरह, वो सारे के सारे निकल जाएं, इजीली डेड हो जाएंगे उससे. मैं इसमें शैम्पू डाल लिया है मैंने, और इसको हल्का हल्का हिला रहा हूँ, हल्का सा मिक्स करूँगा. पहले मैं इसे नोटिक शैम्पू से बात दूंगा, और सेकंड जो मैं दूंगा उसके बाद में बात, वो मैं लगाऊंगा इसको एनडी का शैम्पू. सो मैंने एक स्पॉन्ज का पीस लिया है, स्पॉन्ज का पीस इसमें डिप कर रहा हूँ. इसको सोक प्रेस किया, इसको खोला, और इसके साथ में ये देखिए, मैं बच्चे को पूरे के पूरे को शैम्पू वाले पानी से ही गीला करने की कोशिश कर रहा हूँ. इसको हल्का हल्का प्रेस कर रहा हूँ और वो पूरी बॉडी इसकी गीली हो रही है. मैं उस वे से ही नहलाना बता रहा हूँ जैसे एक आम आदमी अपने घर में बच्चे को नहला सकता है. कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ वेरी ईजी. देखिए, शैम्पू ने अपनी झाग बना ली है. और ये फ्रेंड्स, ये जो ग्रूमिंग ग्लव है ना, ये बाथिंग के लिए बहुत मस्ट है. इससे क्या होगा, पूरी रूट तक
उसका जो शैम्पू का असर होगा और जो भी टिक्स वगैरह कुछ भी होंगे या डस्ट होगी वो सारी की सारी निकल जाएगी। और इसके जो पूप एरिया है, पॉटी वाली जगह है, उसके आसपास ज़रूर करना है हमने इसको। मैंने उतार लिया ग्लव को, फिर से हाथ से उसको अच्छे से रब कर रहा हूँ उस एरिया को, और फिर उसके बाद में फिर से ग्लव डाल के उसके बाद में इसकी मसाज कर रहा हूँ ताकि इसकी पूरी की पूरी जो स्किन है वो क्लियर हो जाए। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, हमारा डॉग नहाने से बहुत डरता है। अब ये देखिए, ये भी अभी कुंकुं कर रहा है, इसको नहीं पता मैं इसके अच्छे के लिए कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, तो ये भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग शुरू में। लेकिन अगर इस बच्चे को हम 3 महीने तक नहीं नहलाएंगे, 3 महीने बाद आप इसके साथ में ये सब कुछ करने की कोशिश करेंगे जो मैं इसके साथ कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली ही विल नॉट अलाउ यू, ही विल नॉट फील कम्फर्टेबल। उसको लगेगा पता नहीं क्या कर रहे हैं मेरे साथ और क्यों कर रहे हैं, और शायद उसे हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि रियलिटी कुछ और होगी। तो इसलिए बच्चे को पानी की हैबिट बहुत ज़रूरी है शुरू से, शैम्पू की, पानी की। मैं बहुत अच्छे से थॉरली, जब तक मुझे पता है मैंने 3-4 मिनट शैम्पू लगा के रखना है, तो मैं इसकी मसाज इसलिए कर रहा हूँ ताकि सारी की सारी जो इसकी इन्फेक्शन है, ये नुनू वाली एरिया जो है इसकी इसकी जो पूप एरिया है, वो सब की सब पूरी की पूरी अच्छे से क्लियर हो रहा है। नहलाने के बाद में आप यकीन करिए, आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो वही बच्चा है जो अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल अनटाइडी था, नीट एंड क्लीन हो गया, उसकी स्मेल आना बंद हो जाएगी। और इसके बाद में मैं दूसरे शैम्पू के साथ में इसे नहलाऊंगा, एंटीडिक शैम्पू के बाद में, सो दैट इसकी जो बॉडी है वो स्मूथ भी रहे और खुशबू भी अच्छी आए और हमें बार बार नहलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 10 दिन में एक बार नहला सकते हैं छोटे बच्चे को। डियर फ्रेंड्स, जब हम नहलाते हैं ना, उसके बाद उस समय हमें हाथ ज़रूर रब करना है। हाथ इसलिए रब कर रहा हूँ ताकि कुछ भी अनइवन सी चीज़ फील होगी तो वो टिक हो सकते हैं, वो इन्फेक्शन हो सकती है, हमें उसे क्योर करना है, निकालना है। अभी ये देखिए, जैसे ये मैंने टिक निकाला, एक मैंने फिंगर पे लिया है, राइट, और इसको मार देना है, उसको छोड़ना नहीं है टिक को, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो आपके डॉग की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, वो फिर से उसकी बॉडी पर चढ़ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए कितना उसका स्टार्च गंदगी निकल रही है। मैं ये एंडी का शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए, ये मैंने पानी में घोला है, थोड़ा सा बड़े बर्तन में घोला है मैंने अलग से शैम्पू, सो दैट हम इसे एक बारी फिर से बाथ दे सके, इससे और ज़्यादा सॉफ्ट और क्लीन हो जाएगा। सबसे पहले क्लीन करना, टिक्स को क्लीन करना बड़ा ज़रूरी था, और अब मैं इसे दोबारा एक बारी फिर से बाथ देने लगा हूँ। बाथ देना इशू नहीं है, बाथ देने के बाद में सुखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑफकोर्स हम इसको सुखाएंगे अच्छे से। कैसे सुखाना मैं आपको वो भी बताऊंगा, क्या चीज़ें यूज़ करनी है वो भी बताऊंगा। ये फर्स्ट बाथ की इंपॉर्टेंस है, जो फर्स्ट बाथ आपने अच्छे से दे दिया अगर अपने बच्चे को, तो आप फ्रेंड्स, मैंने ये डॉग टॉवल लिया है, जो ऑफकोर्स मैं हमेशा डॉग्स के लिए यूज़ करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि सारा पानी सोख लेता है बच्चे का, इसको ड्राई करने में बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप अभी देखेंगे तो इसके बाद में मैं इसे ड्रायर से भी ड्राई करने वाला हूँ, क्यों, सो दैट अच्छे से बिल्कुल क्लीन हो जाए, नीट हो जाए, ड्राई हो जाए। और ये वही बच्चा है जिसको अभी हम नहला रहे थे, जिसको नहलाने से पहले वीडियो में लिया था, और आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे अभी विद इन 5 मिनट्स, कंटिन्यू कर रहे हैं वीडियो। सो डे वन, ये वही फ्रेंड है हमारा, छोटा सा फर बेबी जिसके साथ में अभी वीडियो बना रहा था। आप देखिए पहले इसका कोट कैसा था और अब कैसा है, बिल्कुल स्मूथ सिल्की कोट हो गया है, इसका फर बिल्कुल क्लियर हो गया है, कोई स्टिंक नहीं कर रहा, कुछ नहीं। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इधर से ऊपर से देखिए, जब हमने नहला लिया पपी को, हमें उसे चेक कैसे कर रहे हैं कि उसको टिक्स है कि नहीं है। देखिए अभी उसकी स्किन दिखने लग गई है, बिकॉज वो जो बाल चिपके हुए थे सारे खुल गए, जो टिक्स वगैरह थे, जो फ्लीज थे, वो पहले महसूस हो रहे थे हाथ फेरने में। जब आप नहलाते हैं, नहलाने के बाद में अच्छे से उसको सुखाते हैं, ड्रायर करते हैं, तो वो सब की सब चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाती हैं। देखिए अब इसका जो कोट है वो बिल्कुल स्मूथ है, नीट एंड क्लीन है। लेकिन एक बहुत अर्जेंट इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बोलना चाह रहा था, अभी देखिए, ये देखिए यहाँ पे मुझे एक टिक का, ओके कुछ नहीं, डोंट वरी, एक टिक मिला मुझे यहाँ पे, जो ऑलरेडी डेड है। ये देखिए, ये ऑलरेडी डेड हो गया हुआ है, क्योंकि इसको हमने शैम्पू लगाया था जिसकी वजह से ये मर गया, झड़ गए सारे के सारे। जो फिंगर्स हैं, ये देखिए आप फिंगर्स को खोल के ज़रूर देखिएगा कि फिंगर्स में टिक्स तो नहीं है, अक्सर फिंगर्स में टिक्स होते हैं। ये देखिए इन फिंगर्स में, देखिए फिंगर्स में टिक्स तो नहीं है, पाँव के निचली तरफ देखना चाहिए, नीचे टिक्स तो नहीं है। दिस इज़ द प्रॉपर वे टू बाथ योर डॉग, दिस इज़ द प्रॉपर वे टू कीप अ डॉग। और हम फर्स्ट टाइम जब ऑनर हैं, हमें नहीं पता होता हमें डॉग को बाथ देना कि नहीं, ये डाउट आपको जो था, ये जो वहम आपको था, सब लोग बोलते थे यार डॉग बीमार हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, कुछ नहीं होता अगर आप सही तरीके से डॉग को नहलाएंगे। इसको नहला दिया, सुखा दिया, और अब ये रेडी है नए घर जाने के लिए। आज नहीं जा रहा ऑफकोर्स, एक दो दिन में जाएगा, लेकिन
मजा आ जाएगा जिसके घर ये जाएगा, नीट एंड क्लीन हेल्दी डॉग हो, अदरवाइज टिक्स होंगे तो टिक फीवर होने के, बवेशिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और आई होप ये जो वीडियो बनाया है ये आपको पसंद आया होगा कि आपको अपने डॉग को कैसे नहलाना, आपको अपने डॉग को कैसे रखना। आप अब जैसे गर्मियाँ हैं, टिक्स बहुत होते हैं, तो आप जब भी आप उसे गोदी में लेके बैठिए ऐसे उल्टे हाथ में ऊपर से नीचे को करेंगे तो स्किन नहीं दिखाई देगी। पास आके देखिए, एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। अगर हम आगे से पीछे को करेंगे तो स्किन नहीं दिखाई देगी, जब हम पीछे से आगे को कर रहे हैं तो हर एक स्किन उसकी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। और अगर कहीं भी हमें टिक्स मिलते हैं, कुछ भी मिलता है, तो हम वहाँ पे एंटीटिक पाउडर वगैरह डाल के अप्लाई कर सकते हैं। सो ये जो वीडियो बनाया, जो मैसेज दिया आपको कि डॉग को रखना है, डॉग को नहलाना है, और 40 डेज के बच्चे को आप नहला सकते हैं बढ़िया से अच्छे से तरीके से, कैसे नहलाना एक्सप्लेन कर दिया, जो चीज़ें मैंने यूज़ की, स्लीकर हेयर ब्रश से इसकी कंघी की है, जो कुछ भी मैंने यूज़ किया, परफ्यूम, शैम्पू, टॉवल, सब चीज़ का लिंक नीचे दे रहा हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आप वो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, साइन दिया करेंगे मुझ पे, आप पे, हमारे सभी फर बेबीज़ पे, इस छोटे से बच्चे पे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।